नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में कोरोना वायरस के लड़ने की तैयारियां प्रतिदिन तेज की जा रही हैं। सगड़ी तहसील के बिलरियागंज के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और कौशल विकास मिशन की छात्राओं ने चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में 18,000 मास्क बनाएंगी। ये सभी मास्क आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों में वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही इसे बाजार में भी उतारा जाएगा। समूह की महिलाओं के द्वारा आज जिलाधिकारी को 8,000 मास्क भी सौंपा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर तैयार इस मास्क की कीमत 13 रुपए आई है। इसे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों में 2-2 मास्क बांटा जाएगा। इसके बाद इस मास्क को 15-20 रुपए में बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत में भी मास्क बांटे जाने के निर्देश दिए गए हैं। और मुझे जो है ये मास्क बनाने की प्रेरणा, जब पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है, तो ऐसे में जो है कि मास्क की सबसे ज्यादा मतलब जरूरत है सभी को, तो इसलिए हमने, हमारे समूह ने ये सोचा कि हमें मास्क बनाना चाहिए। और हमने जो है कि मार्केट से सामान लिया, मास्क बनाया। इसके पहले आप लोग क्या बनाते थे? इसके पहले हम लोग अचार, पापड़, मुरब्बा, कपड़े भी सिलते थे समूह के, मतलब सरकारी कपड़े, और जो है कि झाड़ू बनाना, ये सब मतलब जितने भी। अरे, कितना मास्क बना के आपने दिया है? अब तक हमने 3900 मास्क बनाए। 2900 हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मेरे निवेदन पर मास्क तैयार किया जा रहा है। जिस मास्क का जो स्पेसिफिकेशन है वो विशेषज्ञ हैं जो चिकित्सा विभाग के, उनके द्वारा बनाई गई है। और उन्होंने, उनके द्वारा 10,000 मास्क 17 रुपए की कीमत पर बनाया जा रहा है, जिसको हम सारी आशाओं को जिला प्रशासन की ओर से, हर आशा को 2 मास्क, ताकि एक यूज़ करे और एक साफ कर ले, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी प्रत्येक को 2 मास्क। इस तरह हम करीब 18,000 मास्क तैयार करा रहे हैं, जिसमें से 8,000 आज तैयार होकर के सीएमओ को सौंपा गया है और शेष कल शाम तक तैयार हो जाएगा। उसमें स्वयंसेवी समूह की महिलाएं हैं और कौशल विकास मिशन द्वारा ट्रेंड 100 लड़कियां हैं स्टिचिंग बिलरियागंज। तो उन लोगों से हमने मास्क बनाना शुरू किया है। साथ ही उनसे, चूँकि मार्केट में मास्क बहुत महंगे मिल रहे थे, तो हमने उनसे और बनवा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को भी 15 से 20 रुपए के अंदर मास्क मिल जाए। और साथ ही नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से हमने कहा है कि जितने भी ठेली पर या जो छोटे छोटे सब्जी फल की दुकान करने वाले लोग हैं दूध की, उनको नगर पालिका, नगर पंचायत अपने पैसे से ही, या उनके पास पैसा नहीं तो मैं धनराशि दे दूंगा, उनको मुफ्त मास्क वितरण कर, क्योंकि उनका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।